हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको साइकिल की डिस्क पैड को चेंज कर दिखाने वाले हैं। तो डिस्क पैड को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले आपके डिस्क कैलिपर में दिए गए बोल्ट्स को खोलना होगा, क्योंकि हमें अपनी ब्रेक वाली कैलिपर को खोल कर बाहर निकालना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें लगी हुई एंकर बोल्ट जो कि ब्रेक की वायर को टाइट करती है, उसे भी आपको लूज़ कर लेना है और स्लाइड कर आपको अपनी कैलिपर को बाहर की तरफ निकाल लेना है। कैलिपर निकल जाने के बाद ये आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसमें से आपको पैड को निकालने के लिए कैलिपर की दूसरी साइड से 5 नंबर की एलन की से आपको इसे क्लॉक बाय डायरेक्शन में थोड़ा सा घुमाएंगे और पीछे से प्रेस करेंगे, तब आपका जो पैड है वो एक साइड का बाहर आ जाएगा। दूसरे साइड के पैड को बाहर करने के लिए कैलिपर को कुछ इस तरीके से प्रेस करना है और उंगली की मदद से आप इसे प्रेस कर बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैड की हालत कैसी हो चुकी है, बिल्कुल शाइनी हो गई है, चिकना हो गया है और ये पूरा घिस कर ख़राब ही हो गया था। और यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले हैं सेम पैड ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये पूरी न्यू है। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं खोल कर और इसे भी हम आपको साइकिल में अभी लगा कर दिखाएंगे। तो कई बार होती है कि पैड ख़राब हो जाने के कारण डिस्क ब्रेक से आवाज़ भी आने लगती है और अच्छी तरीके से ब्रेकिंग नहीं हो पाती है, तो इसलिए आपको ब्रेक पैड को ही रिमूव कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ब्रेक पैड जिस तरीके से निकालने के लिए बताया था उसी तरीके से आपको इसे वापस से लगा देना है और स्प्रिंग को आपको कुछ इस तरीके से पीछे से डालना है और आप यहाँ पर श्योर हो जाएं कि जो स्प्रिंग है वो अच्छी तरीके से लग जानी चाहिए। ब्रेक पैड के अंदर 2 स्लॉट्स दी जाती है, तो इसके अंदर से जो पैड की स्प्रिंग होती है वो अच्छी तरीके से लग जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और ये देखिए कितने अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो ब्रेक कैलिपर है उसकी अलाइनमेंट कर आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पर न्यू पैड लगाया है इसलिए इसकी पूरी अलाइनमेंट ख़राब हो चुकी होगी, तो हमें इसे पूरी तरीके से एडजस्ट करना होगा। तो इसे एडजस्टमेंट करने के लिए आपने सबसे पहले दोनों नट्स को टाइट कर लेना है और इसे पूरा टाइट नहीं करना है, हल्का सा आपको इसे लूज़ ही रखना है और कुछ इस तरीके से ये स्लाइड होगा। उसके बाद आपको इसके पीछे की साइड में एक नट दिख रहा होगा, इस नट को आपको हल्का हल्का सा टाइट करना है जिससे ये जो ब्रेक पैड है वो बिल्कुल प्लेट के सामने आ जाएगा। तो आपको इसे हल्का सा टाइट करना है और फिर आपको अलाइनमेंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैलिपर को एडजस्ट करना है और आपको दोनों ब्रेक पैड के बीच में जो आपका डिस्क प्लेट होगा आपको पैरेलल कर लेना है, यानी आपका जो दोनों पैड है और जो प्लेट है वो तीनों आपस में पैरेलल होगा, यानी बिल्कुल एकदम सीधा होगा। आपको क्रॉस सेटिंग नहीं करनी है, अगर आप इसे क्रॉस कर टाइट कर देंगे तो कभी भी आप ब्रेक लगाएंगे तो आपका प्लेट एक साइड से दबने लगेगा और जो ब्रेक पैड है वो सिर्फ एक साइड ही पैड डिस्प्लेट पर लगेगा, जिससे आपकी जो परफॉर्मेंस है ब्रेक की वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी, पैड भी सिर्फ एक साइड से ही घिसेगी। तो यहाँ पर आपको इसे पैरेलल करके टाइट कर लेना है जैसा कि मैंने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद आपको बार बार व्हील को घुमाकर चेक करना है कि आपका पैड है जो रब तो नहीं कर रहा है। उसके बाद आप इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो ब्रेक है कैसी काम कर रही है। अच्छी तरीके से लगा देने के बाद जो हमारा ब्रेक है बहुत ही अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी पुरानी वाली केबल को भी चेंज कर दिया था ब्रेक की केबल, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी और उसमें जो स्मूथनेस थी वो पहले जैसी नहीं थी, इसलिए मैंने दोबारा से इसकी जो ब्रेक की वायर है वो चेंज कर दी ग्रीसिंग के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो डिस्क पैड की इंस्टॉलेशन की वीडियो थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।